अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सीसीटीवी व्यूज। कराची वाले ना घर से निकलते हुए महफूज हैं, ना वापसी घर आते हुए महफूज हैं। ये इस वीडियो में देख सकते हैं, ये रात का वक्त है और एक खातून एक उनका बेटा, ये दोनों घर पर जैसे ही पहुंचते हैं आप देखेंगे पीछे से बाइक पर दो लड़के आ जाते हैं। पीछे वाला लड़का उतरा है जंप लगाकर और ये बाइक वाले लड़के को रोकने की कोशिश करता है। बाइक वाला लड़का फौरन अपनी बाइक को भगाकर दूसरी तरफ जाता है। मैं दूसरे कैमरे से भी अभी आगे आपको दिखाऊंगा, पहले आप ये देखें वो जो आगे बाइक में लड़का था उसने अपनी बाइक को घुमाया है, वापसी इस तरफ आया है। अब मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ किस तरह से वारदात हुई। ये देखें, माँ बेटा जैसे ही घर पर पहुंचता है इसके सामने से आप देखेंगे बाइक पर दो लड़के आएंगे। आपको बताता चलूं, पिछले 4 महीने पहले इनके वालिद साहब के साथ भी यहीं से मोबाइल फोन ये लोग लेकर गए थे। आज 4 महीने बाद इस लड़के से भी मोबाइल फोन ले जाते हैं। बाइक इनकी बच जाती है, गली के लड़के देख लेते हैं तो शोर मचाने लग जाते हैं। ये देखें, जैसे ही यहाँ पर घर के पास ये फैमिली पहुंची है लेकिन बाइक पे दो लड़के आए हैं। किस तरह से ये बाइक वाला बंदा भागेगा, ये हाजिर दिमागी से अपने भागने की कोशिश करता है लेकिन ये जो डाकू होता है ये इनकी बाइक की चाबी निकाल लेता है और वो बंदा जो होता है अपनी बाइक को गिरा देता है ताकि अगर ये बाइक उठाने लगे तो उसको टाइम लगे। देखिए, बंदे ने मोबाइल फोन लिया उससे और गली के लड़के देख लेते हैं तो दूर से वो शोर करने लग जाते हैं जिसकी वजह कर ये लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। आप लोगों को बताता चलूं, ये कराची का इलाका बफर जोन सेक्टर 15 भी है। इस तरह की वारदात रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि इनकी पहचान के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सीसीटीवी व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकअल्लाह।